Hello students, welcome to gatelectures.com. Today we will see the second lecture on properties of fluid. In this lecture we will cover the topic compressibility, the property compressibility. इस लेक्चर में हम लोग टोटल कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर, कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, उसकी एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट इज compressibility, this is denoted by beta. Last lecture में हम लोगों ने तीन properties देखी थी, mass density और density of fluid, specific weight और weight density of fluid, and third property हमने जो देखा था वो specific gravity थी. तो एक प्रीव्यू लेते हैं, मास डेंसिटी क्या थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट क्या था, वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, उसको डिफाइन किया था, रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू रो जी, एंड थर्ड वन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिफाइन किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. लिक्विड्स के लिए हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया था, वाटर, और गैसेज के लिए हमने क्या लिया था, आइदर एयर और हाइड्रोजन. ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय बीटा. इसका डेफिनेशन होता है, डिफाइन अगर किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस का ये रेसिप्रोकल होता है. इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू वन अपन के, के इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय के. जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आप लोगों ने देखा होगा व्हाट इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को अगर डिफाइन किया जाता है तो किस तरह से बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया जाता है, बल्क मॉडुलस को अगर डिफाइन करना है तो डायरेक्ट स्ट्रेस अपन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अगर बल्क मॉडुलस को मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होता है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब एक बात, जब कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज पे कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, फ्लूइड की फ्लूइड कितना कंप्रेस हो सकता है, यानी कि कंप्रेस का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, जब इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम विल डिक्रीज, जब ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज नेगेटिव एंड ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी द ओरिजिनल. ओके, अब यहां पर बात आती है कि डायरेक्ट स्ट्रेस. अब एक कंसेप्ट होता है, सिंपल सी बात है, मैं एनालाइज करना चाहता हूं, आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देखा होगा या आगे आप देखेंगे, जो प्रेशर होता है, प्रेशर और स्ट्रेस, सिंपल जनरल कंसेप्ट है. एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं अराइज कर रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, लिखे कमेंट बॉक्स में डिफरेंट, आप अपने आंसर्स लिखें. ओके, यहां पर अगर आप देखें कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को अगर प्रेशर की यूनिट देखी जाए तो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो आप लोगों के माइंड में जो अदर डिफरेंस है मैं जो बता रहा हूं उसके बाद जितने डिफरेंसेस आपके माइंड में आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में, लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं. ओके, तो प्रेशर का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और स्ट्रेस का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट क्यों होते हैं. अगर आप स्ट्रेस में देखो तो स्ट्रेस अपना क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, और प्रेशर क्या होती है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होती है, ठीक है, एक्सटर्नली अप्लाइड होता है. स्ट्रेस
आपका डिफरेंट डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं, उसकी वैल्यू हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन प्रेशर ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है. दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर होता है. स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, ओके, लेकिन प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर होता है. अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी फ्लूड को कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जितना आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो स्ट्रेस उतनी ही जनरेट होगी. इट मींस देखो सिंपल सी बात है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस की भी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स पर यूनिट एरिया गिव द वैल्यू ऑफ प्रेशर, यानी कि जो चेंज इन जो प्रेशर आपने किया एक्सटर्नली, प्रेशर को जितना चेंज किया इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उतनी ही जनरेट होगी. इट मींस स्ट्रेस उतनी ही जनरेट हो रही है, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, द चेंज इन प्रेशर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी ओपन वी. तो यहां पर आप बल्क मॉडुलस के को अगर डिफाइन करना चाहें तो आपका क्या होगा, डेल्टा पी ओवर माइनस डीवी ओवर वी. दिस इज माइनस डीवी ओवर वी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके, यानी कि के इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर, डेल्टा पी इज व्हाट, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, एंड माइनस डीवी ओवर वी दिस इज वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अगर आप देखें मैंने नेगेटिव साइन लिया है, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो कोई भी चीज को अगर आप कंप्रेस करोगे तो फाइनल वॉल्यूम जो होती है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होती है, दैट्स व्हाई वी कैन टेक द माइनस साइन हियर, ओके, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब अगर कोई भी चीज बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मैंने मास को क्या कर दिया, मास इज कॉन्स्टेंट, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, आप कंप्रेस कर रहे हो तो फ्लूड का जो मास है वो कांस्टेंट है, फ्लूड को आप कंप्रेस कर रहे हो, मास विल कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. देन रो इनटू वी इज इक्वल टू मास, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देन क्या होगा, रो भी चेंज हो रहा है, डेंसिटी जैसे जैसे आप कंप्रेस कर रहे हो प्रेशर चेंज कर रहे हो तो डेंसिटी चेंज हो रही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कंटेनिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही है, मास आपका कांस्टेंट है. तो दिस इज यू इनटू वी, डिफरेंशिएशन, रो इनटू डीवी प्लस वी इनटू डी रो इज इक्वल टू जीरो, मास इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, देन रो इनटू डीवी इज इक्वल टू वी इनटू डी रो माइनस साइन हियर, देन d rho over rho is equal to minus dv over v. This is d rho over rho is equal to minus dv over v. Next here, आपने previous slide में क्या देखा? K is defined as delta p over minus dv over v. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? K is equal to delta p over minus dv over v is equal to delta p over डी रो ओवर रो, यानी कि के इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा पी ओवर डी रो, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है. और रो इंटू डी पी ओवर डी रो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस. एंड देन कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू वन अपन के, इज इक्वल टू वन अपन के, वन अपन रो इंटू डी रो ओवर वन अप डी पी ओवर डी रो. देन बल्क मॉडुलस बीटा इज डिफाइंड एज डी रो ओवर रो इंटू डी पी. दिस इज द बेसिक, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ओके. इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये पूरी एनालिसिस आपको ध्यान रखनी है, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, डेल्टा पी ओवर डी वी ओवर वी माइनस डी वी ओवर वी एंड डेल्टा पी ओवर डी रो ओवर रो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, और कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, देन वी कैन डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी. अब बात आती है कि कंप्रेसिबल फ्लूड और इनकंप्रेसिबल फ्लूड, दो तरह के फ्लूड होंगे. कंप्रेसिबल फ्लूड होगी जो कि कंप्रेस्ड हो जाएगी, और इनकंप्रेसिबल फ्लूड क्या होती है, कंप्रेस नहीं होती है. यानी कि जो फ्लूड कंप्रेस होगी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. कंप्रेसिबल फ्लूड्स की डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी थ्रू आउट द फ्लो, और इनकंप्रेसिबल
फ्लूड्स की डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिकॉज कि वो तो इनकंप्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो जो मास है मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, देन डेंसिटी विल कांस्टेंट। तो आगे की एनालिसिस में जब हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लूड की जब हम बात करेंगे, फ्लो जब अपनी इनकंप्रेसिबल होगी यानी कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूड विल कॉन्स्टेंट, हमें वो चीज लेकर के चलना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ फ्लूड्स जो टोटल फ्लूड्स जो होती हैं, हर एक फ्लूड कुछ ना कुछ कंप्रेस होती है ड्यूरिंग फ्लो, फ्लो के कंडीशन में फ्लूड कंप्रेस होती है। लेकिन एक वर्ड आता है मैक नंबर, मैक नंबर की वैल्यू कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि मैक नंबर की वैल्यू कितनी होगी तो फ्लूड को आप कंसिडर कर सकते हो इनकंप्रेसिबल, और उसके बाद आपका फ्लूड क्या हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लूड हो सकता है। तो यहां पर मैक ने एक अपना नंबर डिफाइन किया जिस नंबर के थ्रू आप देख सकते हो कि अगर कोई भी फ्लूड का नंबर उतना है, उतने नंबर के बीच में अगर लाई कर रहा है तो वो इनकंप्रेसिबल है, अदरवाइज उसके बाहर है तो वो फ्लूड क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूड है। तो ये जो कंडीशन जो लिया गया, हर एक फ्लूड में 5% डेंसिटी चेंजेज, अगर डेंसिटी के चेंज को 5% तक मान के चला गया कि अगर 5% या उससे कम हो रहा है, मतलब लेस देन 5% डेंसिटी चेंजेज अगर हो रही है ड्यूरिंग फ्लो कंडीशन, तो उसे आप क्या कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लूड। ओके, थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम इनकंप्रेसिबल, अगर फ्लो के कंडीशंस की बात करते हैं, कोई भी फ्लूड है अगर वो फ्लो कर रही है, ये फ्लो के कंडीशन है। आगे आप लोग देखेंगे, थोड़ी सी एनालिसिस मैं आगे की कर रहा हूं, कुछ चीजें समझ में अगर नहीं आएंगी तो वो आगे आ जाएंगी। तो आप लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन सिंपली देखा होगा, बर्नौलीज इक्वेशन आप लोगों ने थोड़ा बहुत आप जानते होंगे बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो सकता है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, P1 ओवर रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस GZ, नॉट जी हियर ओनली जेड, Z1 is equal to P2 over rho g plus V2 square upon 2G plus Z2। कोई भी अगर मैं टू डायमेंशनल पाइप फ्लो लेता हूं तो Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, सेम डेटम लाइन पे होने के कारण कैंसिल आउट। इनिशियली कंडीशन में वेलोसिटी क्या है, एट रेस्ट है, जब फ्लो हो रहा है जो हमने पॉइंट लिया वहां पर फ्लूड क्या है, रेस्ट पे है, तो ये भी जीरो। देन हमारा क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वॉट, P1 माइनस P2 अपन रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपन 2G, जी से जी कैंसिल, देन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू V2 स्क्वायर अपन 2, दिस इज एंड दिस इज डिनोटेड बाई दिस इज डेल्टा P इज इक्वल टू रो इंटू V स्क्वायर अपन 2, V2 को हमने V ले लिया। ओके, देन अगर आप पीछे के एनालिसिस में जाओ तो K इज इक्वल टू क्या आपने डिफाइन किया था, K इज इक्वल टू रो dP ओवर dRho हमने डिफाइन किया था, देन dRho ओवर रो इज इक्वल टू dP ओवर K, देन dRho ओवर रो इज इक्वल टू dP ओवर K, dP इज इक्वल टू व्हाट, यहां से अगर आप देखो डेल्टा P और dP, इसको आप कह सकते हो डेल्टा पी और डीपी, देन यहां से आप क्या पुट कर सकते हो, डीपी इज इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर अपन 2 इंटू के, देन dRho ओवर रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 2 के अपन रो। यहां से अगर आप देखो तो रूट ओवर के अपन रो इज कॉल्ड द एक्वेस्टिक वेलोसिटी इन द फ्लूड मीडियम। ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाई रूट ओवर के अपन रो इज इक्वल टू ए, हमने ले लिया। अब अगर आप यहां से देखो तो एक आता है, अब यहां पर आते हैं, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, dRho ओवर रो इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, v स्क्वायर अपन टू इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस वेलोसिटी इज व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड
जो पाइप में फ्लो कर रही है ये वी वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है, ए क्या है एक्विस्टिक वेलोसिटी इन द फ्लूड मीडियम, ओके, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड वी अपन ए इज कॉल्ड द मॉक नंबर, मॉक नंबर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एम ए। आप लोग जब कंप्रेसिबल फ्लूड की स्टडी करोगे पावर प्लांट में तो वहां पर आप लोग ये सारी चीजें देखोगे, बट यहां पर एक जनरल कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, ओके। तो जो चीजें होती हैं, अब मैंने क्या बोला कि जो फ्लूड मार्क मार्क ने जो एनालाइज किया तो वहां से क्या चीजें आई कि जो फ्लूड अप टू 5% डेंसिटी चेंजेज हो रही है ड्यूरिंग फ्लो, तो उसे आप क्या कंसिडर कर सकते हो, दैट फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। देन आप क्या ले सकते हो, डी रो ओवर रो इज लेस देन इक्वल टू 0.05, यानी 5% हम कह सकते हैं ना, दिस इज 5%। तो यहां से जो कंडीशन आती है डी रो ओवर रो इज वी स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर, ओके। तो यहां से आपका क्या आ गया, दिस इज क्लियरली द मार्क नंबर इज लेस देन 0.33, मार्क नंबर इज लेस देन 0.33, मार्क नंबर इज, यहां से आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी रो ओवर रो इज इक्वल टू मार्क नंबर स्क्वायर अपन 2। देन डी रो ओवर रो पे यहां से आपने पुट किया, मार्क नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 0.33, मार्क नंबर इज लेस देन 0.33, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल इट मींस कोई भी फ्लूड है, फ्लो अगर इनकम्प्रेसिबल है यानी कि मॉक नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.3, ओके। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी द प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी, ओके। थैंक्स।